नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। टाटा समूह द्वारा संचालित एयर इंडिया का A320 नियो विमान उड़ान भरने के महज 27 मिनट बाद मुंबई हवाई अड्डे पर वापस लौट आया, क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण इसका एक इंजन बीच हवा में ही बंद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक उड्डयन नियामक नगर विमानन महानिदेशालय इस घटना की जांच कर रहा है। एयर इंडिया के A320 नियो विमानों में CFM के लीप इंजन लगे होते हैं। A320 नियो विमान के पायलट को सुबह 9:43 पर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान के उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एक इंजन में गड़बड़ी की चेतावनी मिली। उसके पश्चात विमान संचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को पुनः उतार दिया। आपको बता दें, इंजन बंद होने के बाद सुबह 10:10 पर विमान वापस मुंबई हवाई अड्डे पर उतारा गया। घटना के बारे में पूछे जाने पर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, एयर इंडिया सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारे चालक दल इन स्थितियों से निपटने में अच्छी तरह से माहिर है। हमारे इंजीनियरिंग और रखरखाव दलों ने तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी है। यात्रियों को दूसरे विमान से बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।